कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल मार्ग में पेट्रोल पंप संचालक संतोष कुमार गोयल के साथ 4 लाख रुपए के लूट के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी भरत लाल सैलून संचालक है। उसने रायगढ़ के विकास तिर्की के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को दोनों ने संतोष गोयल के पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराया और लूट की योजना बनाई। इसी बीच पंप संचालक संतोष के सख्ती लौटने के दौरान दोनों आरोपियों ने रुपए से भरा बैग लूट लिया। साथ ही इस घटना में एक महिला भी शामिल थी। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरबा से व्यास नारायण की रिपोर्ट। करतला थाना क्षेत्र के अंदर एक लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें 4,80,000 रुपया लूटा गया था एक पेट्रोल पंप संचालक से। पुलिस ने इस केस को विवेचना करते हुए इसको क्रैक किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला है और इनके पास से 4,47,000 रुपए की जो संपत्ति जो लूटी गई थी उसके खर्च का विवरण और कैश हमने बरामद कर लिया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।